नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं टेलीकॉम जगत से जुड़ी खबरें। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर है पत्रिका बाजार, गंगापुर सिटी में प्रकाशित हुआ है राजस्थान पत्रिका का, और मंगलवार 17 दिसंबर 2019 का न्यूज़पेपर है। इसको आप पत्रिका.com पे भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें जो काम की खबर है हमारे, और वो टेलीकॉम जगत की जो खबर है वो ये है कि 25,000 करोड़ में बिकेंगे जियो के टावर। तो दोस्तों, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसने अपने 1.3 लाख रिलायंस टावरों का सौदा किया है, और ये सौदा किया है कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी से। 100% हिस्सेदारी इसमें बेचने जा रही है, और इसके बाद मुकेश अंबानी का इसमें कोई स्वामित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि 100% जो है वो परचेज करने वाला है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ RIL ने कहा है कि वह जियो के जो टेलीकॉम टावर असेट्स है उसको कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स को 25,215 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है। RIL ने कहा है कि इसकी इकाई रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स RIIHL ने ब्रुकफील्ड इंफ्रा को उसके सहयोगियों के टावर कारोबार सौदे के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। ब्रुकफील्ड टावर कंपनी की 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी। सौदा पूरा होने के बाद ब्रुकफील्ड और उसके अन्य साझेदारों के पास भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी में उसकी 100% हिस्सेदारी होगी। टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के पास 1,30,000 टावर है। RGIPL के पोर्टफोलियो में करीब 1,30,000 टावर शामिल है। ये रिलायंस जियो के दूर संचार नेटवर्क की रीढ़ है। इसे बढ़ाकर 1,75,000 टावरों तक करने की योजना है। जियो 30 साल के समझौते के तहत इसके टावर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा किराएदार है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की सहयोगी कंपनी इसकी सह प्रायोजक होगी। तो दोस्तों, ये थी रिलायंस जियो के बिकने की खबर, जो कि अपने टावर असेट्स को कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी को बेच रहा है, और वो भी पूरे 100% हिस्सेदारी के साथ में। तो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अब तक का सबसे बड़ा एकल विदेशी निवेश होगा। डील का कारण, रिलायंस जियो इंफ्राटेल पर 12,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। तो ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस जियो इंफ्राटेल, उस पर 12,000 करोड़ का कर्जा बकाया है। उसे चुकाने के लिए अपने टावर एसेट्स को वो बेच रहा है, और उसके बाद में जो भी सर्विस ये यूज़ करेगा उसके लिए ब्रुकफील्ड को रेंट देगा, यानी कि किराए पर यूज़ करेगा उन टावर्स को। तो अब इनका मालिकाना हक इस पे ख़त्म हो जाएगा, जियो का। जियो के टावर पे जियो का मालिकाना हक नहीं रहेगा, वो केवल किराएदार रह जाएंगे। तो चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि ब्रुकफील्ड के साथ इस दीर्घावधि और रणनीतिक साझेदारी से हम काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, हमें ब्रुकफील्ड की काबिलियत और दक्षता पर भरोसा है। ये करार दर्शाता है कि विदेशी निवेशक भारत के डिजिटल सेक्टर में निवेश के लिए तैयार है। तो ये तो थी रिलायंस से जुड़ी हुई खबर। ऐसे ही और भी, वोडाफोन आइडिया, इनके ऊपर भी 55,000 करोड़ और 35,000 करोड़ का बकाया है AGR का। तो उसे चुकाने के लिए वो भी, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा है वो अमाउंट, इनका सिर्फ 15,000 करोड़ है, तो ये अपने टावर पूरा असेट 100% इक्विटी शेयर के साथ में बेच रहे हैं 25,000 करोड़ में। उनके पास 55,000 करोड़ का बकाया है सिर्फ AGR का। इसके अलावा बैंकों का जो लोन लिए हुए हैं 1,00,000 करोड़ रुपये, और जो शेयर मार्केट से लोगों का पैसा इकट्ठा किया हुआ वो भी ड्यू है। तो आगे उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।